KSN 24 पल पल की खबर। अमूमन पानी की समस्या की शिकायत गर्मी के मौसम में सुनने को मिलती है, जब धरती का जल स्तर नीचे चला जाता है। लेकिन बरसात के दिनों में भी जब किसी गांव में पीने और नहाने के लिए पानी की समस्या का जिक्र आए तो समझना चाहिए कि अंतिम व्यक्ति तक मूलभूत सुविधा पहुंचाए जाने के सरकार के सभी आंकड़े बेबुनियाद हैं। और आजादी के 70 साल बाद भी गांव में लोग बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। कोरबा जिले में भी एक ऐसा ही गांव है जिसमें आबादी बसे 25 साल हो गए। लोगों के राशन कार्ड बन गए लेकिन आज तक पीने के लिए साफ पानी भी उन्हें नसीब नहीं हो रहा है। पेश है एक रिपोर्ट। कोरबा जिला मुख्यालय से 65 किलोमीटर की दूरी पर बसा एक छोटा सा ग्राम पंचायत है चिर्रा, जो कि कोरबा विकासखंड अंतर्गत ही आता है। इसी ग्राम पंचायत का आश्रित मोहल्ला है भालू पखना, जहां पानी की समस्या ने ग्रामीणों को परेशान कर रखा है। गर्मी तो गर्मी, यहां बरसात के दिनों में भी ग्रामीण पानी को तरस रहे हैं। साफ पानी का स्रोत नहीं होने के कारण ग्रामीणों को गड्ढों में भरे बरसाती पानी का उपयोग करना पड़ रहा है। जी हां, इस बस्ती में पानी की समस्या ने विकराल रूप धारण कर लिया है। बरसात के बावजूद गांव में पानी की समस्या कई सवालों को जन्म देती है, लेकिन समस्या की यह तस्वीर बताने के लिए काफी है कि ग्रामीण साफ पानी को लेकर किस तरह परेशान हैं। पिछले 25 सालों से यहां के ग्रामीण स्वच्छ जल के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। यहां की महिलाएं जंगल के रास्ते एक नाले के पास बने एक छोटे से गड्ढे से नाले के रिसाव का पानी भर कर लाते हैं और उसी को छान कर पीते हैं। लंबा सफर तय कर उन्हें पानी लाना पड़ता है, जिससे समय के साथ ही अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ती है। ग्रामीणों का कहना है कि बरसात के दिनों में यहाँ भी नाले के पानी के साथ कचरा आ जाता है। साफ पानी का एक भी स्रोत नहीं होने के चलते उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, उन्हें बीमारियां होती हैं। एक ग्रामीण सुरेश मरकाम ने बताया कि उनका ज्यादातर पैसा डॉक्टर को ही देने में लगता है। ग्रामीणों की शिकायत है कि पंचायत प्रतिनिधियों से कई बार आग्रह किया गया लेकिन उनकी समस्या को लेकर गंभीरता नहीं दिखाई गई। हम लोग पानी पिए के नहीं है, हम नरवा के पानी ले पीते हैं जो कि गंदा थे, बहते और उनमें कीड़ा मकोड़ा मरे रहते, हम लोग बीमारी भी होते और हम लोग पानी के बहुत ज़्यादा जरूरत है। अच्छा नरवा हम लोग ऊपर खबर रास्ता जंगल तीले लान थे। सर पानी यहीं का पीते हैं, गंदा पानी है पूरा जी। कितने सालों से ये स्थिति यहाँ पे? करीबन 20 साल सर। तो क्यों बोलते क्यों नहीं कि? बोले पुराने सरपंच को बोले लेकिन सुनाई नहीं दिए, कुछ कोई सुना नहीं, कोई सुनवाई नहीं हुआ जी। तो ये तो गांव से काफी दूर पड़ता है। हाँ सर। और नहर से लगा हुआ है तो गंदा पानी नहीं आता किसे? गंदा आता है सर, लेकिन छिछाई कर लेते हैं उसके बाद लेके जाते हैं। अच्छा। हाँ। तो बारिश के दिनों में नाले से मिल जाता होगा? हाँ सर, बहुत परेशानी जाता है, पानी गंदा पानी है पूरा। तो बीमारी नहीं फैलता गाँव? बहुत बीमारी फैलता है सर। तो फिर स्वास्थ्य विभाग या कलेक्ट्रेट में हमसे नहीं बोले इससे पहले? बोले थे लेकिन कोई सुनाई नहीं हुआ। कैसे हेल्प करते होगे यहाँ से? तो ये महिला लोग तो इतनी दूर आने में, महिला लोग हम लोग लेके जाते हैं कांवर से, महिला लोग जब नहीं आते हैं तो जी। गांव में तो यहाँ पे पानी के पीने के तो बहुत समस्या है। कैसे कि यहाँ बाजू में बोरिंग है लेकिन वहाँ का पानी खराब निकलता है, वहाँ का पानी बिल्कुल काला निकलता है। कितने बोरिंग है यहाँ? एक ही बोरिंग है। तभी अभी ऐसे में पानी कहाँ से पीते हो? हम लोग वो जंगल नाला से पीते हैं। तो वहाँ का पानी साफ मिलता है? और छोटा सा कुआं है, वहाँ का पानी साफ नहीं मिलता है ना। अब खुला है, छोटा सा पानी भरता है, अभी पानी के समय है, पानी भरता है तो पूरा कुआं डूब जाता है। वो छोटा सा तो कुआं है। तो फिर जो बाहर से जो पानी आता है वो साफ पानी रहता हो? नहीं रहता है, वो भी साफ पानी कहाँ रहता है, साफ पानी पीने को ही नहीं मिलता है। ऐसे कितने सालों से ऐसा है यहाँ पे? अभी यहाँ पे तो अभी यहाँ तो कम कर नहीं तो 20 साल का समस्या है। तो समस्या को लेके कभी यहाँ के प्रतिनिधियों से बात नहीं की है, सरपंच सचिव लोगों से? सरपंच को बोले, जो पिछला सरपंच था उसको बोले थे। हाँ हाँ, तो बोले तो अभी ये तो करवाए तो नहीं। हाँ, एक तो दिए थे छोटा सा कुआं बनाने के लिए, वो भी खराब है, उसको भी नहीं बनवा दिए ढंग से। तो ये गंदा पानी पीने से कोई बीमारी होती है यहाँ पे कि कैसे करते हैं? यहाँ पे ज़्यादा हम लोग डॉक्टर को ही पैसा देते हैं हमारे घर में, तो यहाँ का मोहल्ला वाले, क्योंकि बीमारी सबसे ज़्यादा हमारे यहीं होता है। गौरतलब है कि लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा गांव में नलकूप खनन का काम जरूर कराया गया है लेकिन काला पानी निकलने के कारण उसका उपयोग नहीं हो पा रहा है। ग्रामीण बताते हैं कि नलकूप के पानी का उपयोग करने से खाना भी काला हो जाता है, साथ ही उनके दांत भी काले पड़ जाते हैं।
यही कारण है कि ग्रामीण गड्ढों में भरे पानी पर निर्भर हैं। पानी के का समस्या? पानी के गंदा पानी आते नर वाले तेला छींचथन तहां फिर भर के लांदन फिर आते रात भर में पानी तहां फिर जा जा के छींचथन। तो नरवाल का भरे जाता तो कुआं नहीं है ना बोर नहीं है तो कहां ला जाबो? तो नरवा के गंदा पानी पीले बीमारी नहीं होती? होते। तो कैसे करत होइयो की लान लेथन ले उबाल थन तहां ला रख रथन ले पीथन? तो गांव में जो हैंड पंप दिखत है एक ठो वो गंदा पानी है, कोयला पानी। कोयला पानी निकलते है? हां पी के देखे वाला? हां बीमारी होते का? हाँ चावल भी भात भी काला हो जाते, चाय भी तुरंत काला, दांत भी काला हो जाते। तो अभी जो जाता थे कत दूरी पड़ते? आधा किलोमीटर। तब बारिश के दिन में तो और नरवा और गंदा हो जाते ही होते साहब किसे? अभी का चाहते तुम? हम ला पानी की समस्या है, तब बोर चाहिए सूर्या प्लेट वाला। अच्छा। लाइट रही नहीं रही, लाइट भी तो आते कोई दिन नहीं आया, तो कहाँ ले जाओ भारे? बहुत दिन ले पानी के समस्या हवे, पानी के चलते एक ठे बोरिंग पर भी बोलेन तो बोरिंग खनाइस भी तो बोरिंग के पानी लाल निकलते पिए लायक के नहीं है, तेकर चलते हमारे जंग महिला मन वो नाला के पानी ले लानते हैं जंगल करला। अब वो पानी में कीड़ा मकोड़ा और पानी से पिए से सर्दी खांसी नहाए से भी खुजली हो जाते। सबसे बड़ा समस्या हमारे पानी के है, जल है तो जीवन है, छोटे से लड़का ला भी पानी बड़े लभी पानी सब झल तो पानी की जरूरत है। ग्रामीणों की गंभीर समस्या को लेकर जब गांव के सरपंच और सचिव से चर्चा की गई, तब नव निर्वाचित सरपंच ने कलेक्टर और जिला पंचायत सीईओ से ग्रामीणों की समस्या को अवगत कराने की बात कही। तो वहीं सचिव ने कहा कि नलकूप में 14वें वित्त आयोग की राशि से क्लोराइड मशीन लगाई जाएगी जो लॉकडाउन हटने के बाद लग जाएगी। सर मैं तो अभी सरपंच बनी हूँ, 7 महीना हो रहा है, इन लोग तो पुराने हैं वो समस्या को बता रहे हैं। मैं ये सब समस्या को कलेक्टर साहब से शिकायत करूंगी, सीओ से बोलूंगी। वो एक ठो ढोड़ी खुदवाए थे वो भी नालच के किनारे, तो वो भी जब बाढ़ आता है तो वो भी डूब जाता है। अब ऊपर में हैंडपम्प खुदवाया गया है तो हैंडपम्प का पानी काला है, तो काला होने के कारण नाला में फिर एक थोड़ा सा चुहा खोद के पी रहे हैं। तो फिर गांव वाले निस्तारी कैसे कर रहे हैं? उससे तो समस्या भी हो रही होगी, बीमारी भी फैलता होगा। फैलता तो है सर, लेकिन अभी 14वां वित्त आयोग GPTP में लिए हैं उनका वो हैंड पंप में जो क्लोराइड मशीन लगाने का, तो लग जाएगा एक हफ्ते के अंदर। अभी क्या क्या बताते हैं गाँव वाले लोग, आपके पास समस्या लेके आए थे कभी? अभी तो नहीं आए हैं, पहले आए थे जब लॉकडाउन चल रहा था उस समय, अब लॉकडाउन खुलने के बाद उसको लगवा देंगे सर। बारिश के दिनों में साफ पानी की आस में ग्रामीणों का जंगल में जाना कभी भी बड़ी दुर्घटना को आमंत्रण देना है। ऐसी किसी भी समस्या को घटित होने के पहले गांव के जनप्रतिनिधियों को इसकी सूचना प्रशासन तक पहुंचानी चाहिए और प्रशासन को भी जल्द ठोस कदम उठाने की जरूरत है ताकि ग्रामीणों को साफ पानी मुहैया हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, KSN 24।